जैसलमेर में 4 साल पहले हुए बाइक राइडर के हाई प्रोफाइल मर्डर मामले में उसकी ही पत्नी कातिल निकली। पुलिस ने महिला को कर्नाटक से उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला को पहले ही पुलिस के आने की भनक लग गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला सामान पैक कर रही थी। वहीं अब महिला को कोर्ट में पेश कर 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में मृतक के 2 दोस्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल इंटरनेशनल बाइकर असबाक मोन केरला कुन्नूर का रहने वाला था और कुछ सालों से बेंगलोर के आरटी नगर में रह रहा था और साल 2018 में इंडियन बाजा मोटर स्पोर्ट्स डकार चैलेंज रैली के दौरान वो जैसलमेर आया था। 15 अगस्त 2018 को शाहगढ़ बॉल्स में राइडिंग ट्रैक को देखने के बाद असबाक और उसके दोस्त 16 अगस्त 2018 को राइडिंग के लिए निकले थे। सभी रास्ता भटक गए लेकिन मौन के अलावा सभी लौट आए और 2 दिन बाद मौन का शव बरामद हुआ था। ये इंटरनेशनल मोटरसाइकिल राइडर बहुत ही प्रोफेशनल राइडर थे। इसके साथ ही संजय कुमार, विश्वास SD और अन्य लोग भी थे। सोची समझी गई साजिश के तहत ये अंतिम बार 15, 18 और 16, 18 इन साथियों ने कहा कि ये रेतीले दौरों में रेगिस्तान में रास्ता भटक गए और इनकी मृत्यु हो गई। रास्ता भटकने और बहुत लंबी मेहनत करके अच्छा जी जान लगा के CO श्री भवानी सिंह ने इसमें संजय कुमार और डी विश्वास को गिरफ्तार किया और इन दोनों आरोपियों जो सुमेरा परवेज तथा इसके साथ ही अब्दुल साबिक का 299 में स्थायी वारंट प्राप्त करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। आपको बता दें कि बाइक राइडर असबाक मोन अपनी पत्नी सुमेरा परवेज और 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर में रैली में हिस्सा लेने आया था। जांच में सामने आया कि संपत्ति के चलते भी असबाक और सुमेरा का विवाद चल रहा था, जिसके बाद असबाक की मां ने मौत पर सवाल उठाए तो असबाक के 2 दोस्तों पर भी शक की सुई घूमी। फिर पुलिस ने ठोस सबूतों के आधार पर उसके दोस्तों संजय और विश्वास को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। उन्होंने पुलिस पूछताछ में जुर्म कबूल करते हुए बताया कि असबाक के गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर लोहे के वजनी हथियार से हमला कर रेत के टीले के नीचे फेंक दिया था। माना जा रहा है कि ये कत्ल एक प्रेम त्रिकोण और जायदाद के लालच का नतीजा था। पंजाब केसरी TV के लिए रौनक पारेख की रिपोर्ट।